स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। मानवी, आंखें खोल। मानवी, मनु क्या हो गया तुझे? विराट, विराट क्या हो गया मनु को? मानवी, दादाजी, बुआ जी, बेटा, क्या हुआ बेटा? देखिए ना, मनु की आंखें नहीं खुल रही। मानवी जी, मानवी बेटा, बुआ जी देखिए ना, मनु अपनी आंखें नहीं खुल रही। बेटा डॉक्टर को खबर की कि नहीं? जी दादाजी। एक मिनट डॉक्टर, मेरा प्लीज देखिए, डॉक्टर प्लीज। सिस्टर ऑक्सीजन सलाइन। लेकिन मानवी को हुआ क्या? मानवी के ऑर्गन्स धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। शुगर लेवल्स कम हो जाने की वजह से शी इज गॉन टू हाइपोग्लाइसेमिक कोमा। क्या बात है बेटा? हमें हालात ठीक नहीं लग रहे हैं बाऊजी। वहां ऋषिकेश में सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मानवी कब ठीक होगी, और यहाँ ये सब अचानक। बाऊजी, हमें लगता है कि हमें बीजी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन उन्हें ये कड़वा सच कैसे बताएं? लेकिन ना बताना भी समस्या का समाधान नहीं है बेटा। मेरे ख्याल में हमें जीविका के साथ इस बात पर विचार कर लेना चाहिए। जी बाबूजी, इसलिए हमने जीविका को यहाँ बुलाया था, बस आने वाली होगी। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ। जीविका बेटा, हम जानते हैं कि आने वाले दिन मानवी की जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बात भी ठीक नहीं बेटा कि इस बात को तुम्हारे चाचा और तुम्हारी बीजी से छुपाया जाए। उन्हें मानवी की तबीयत के बारे में जानने का पूरा हक है, और मैं चाहता हूं बेटा कि यह बात तुम्हें उन्हें फोन पर बताओ। बेटा, मानवी का ऑपरेशन अच्छी तरह हो गया ना? नहीं बीजी, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कैसे गड़बड़ बेटा? जी वो आखिरी वक्त पर पता चला कि मानवी के डोनर का ब्लड मानवी के शरीर के लिए सही नहीं। भगवान का शुक्र है कि हमें पता चल गया। अगर थोड़ी देर और हो जाती ना बीजी, तो मैं बता नहीं सकती कि कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे? मानवी ठीक तो होगी ना बेटा? बीजी, हमें कैसे भी करके मानवी के लिए एक नया डोनर ढूंढना पड़ेगा। वरना
वरना मानवी की जान। मुझे इसकी चिंता आप मत कीजिए। जब तक मैं मानवी के साथ हूं, मैं मानवी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कैसे भी करके जल्द से जल्द मानवी के लिए नया डोनर ढूंढ कर लाऊंगी। और हाँ, प्लीज बीजी, बड़ी बीजी को इस बारे में कुछ भी मत बताइए। वो वैसे ही बीमार रहती है और मानवी उनकी कमजोरी। प्लीज बीजी। और एक और बात, आप प्लीज रोज जाके गंगा मैया में मानवी के नाम का एक दिया जलाइए। गंगा मैया से कहिए मानवी को इस संकट से जल्द बाहर निकालते। वो तो मैं करूंगी बेटा। मैं मानवी के पास जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपको कॉल करती हूँ पीछे। ठीक है बेटा। तो जब मैं सो ही रहती हूँ तो तुम बॉडीगार्ड बनके मेरे पास बैठे रहते हो। है सलमान, ये बॉडीगार्ड अपनी करीना का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वाओ, क्या सुपर हिट जोड़ी। पर विराट, जैसे हर फिल्म 2.5 घंटे बाद खत्म हो जाती है, वैसे कुछ दिन बाद हमारी लव स्टोरी भी। हमारी कहानी ना, ये तुम घंटों, महीनों और दिनों में मत करो, समझे तुम? ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि कुछ भी हो जाए तुम हमेशा खुश रहोगे। मैं हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुम्हें छोड़ के कौन जाना चाहता है विराट? मैं दी के सामने हमेशा हिम्मत बनाए रखती हूँ ताकि उनका हौसला ना टूटे। पर मुट्ठी बंद करने से हाथ की लकीर थोड़ी ना बदल जाती है। मानवी, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरा बस चले तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचा लूं, लेकिन क्या करूं, ये कमबख्त मेरा बोन मैरो तुमसे मैच नहीं करता। समझ में नहीं आ रहा कि उन मैरो कहां से लाऊं, इस डोनर को कहां से ढूंढूं। काश इस प्रॉब्लम का सलूशन जल्दी मिल जाए, तुम्हारा कोई डोनर मिल जाए और तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हें छोड़ के कौन जाना चाहता है विराट? मैं दी के सामने हमेशा हिम्मत बनाए रखती हूँ ताकि उनका हौसला ना टूटे। पर मुट्ठी बंद करने से हाथ की लकीर थोड़ी ना बदल जाती है। सच तो यही है ना कि जीविका, मैं चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी के वक्त तुम इस प्यारे से बेबी को देखते रहो, ताकि जब हमारा बेबी भी हो तो इतना ही प्यारा। मिसेस वडेरा, अभी मैं आपको मोज़ार्ट म्यूजिक सुनाना चाहूँ। वैसे कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के वक्त माँ को वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक सुनाया जाए फिर बच्चे का आईक्यू हमेशा तेज रहता है। इसलिए मिसेस वडेरा, आज के बाद आपके कमरे में सिर्फ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक सुनेगा। तो सुनते रहिए मेरे जीनियस की अम्मा। मैं आपको साफ शब्दों में ये बात बताना चाहूंगा कि प्रेग्नेंट और बोन मैरो डोनेट नहीं कर सकते। एक को बचाने की कोशिश में आप दूसरे को खो देंगे। जब तक हमारा छुटकू बाहर नहीं आ जाता और जब तक मैं इसकी बहुत सारी मेहमान नवाजी नहीं कर लेती ना, तब तक मैं कहीं नहीं खिसकने वाली हूँ।
मम्मी पापा अपने अंदर के दर्द को मैं आप ही के साथ बांट सकती हूँ, आप ही मेरी उलझन को समझ सकते हो। बताइए ना मैं क्या करूं, क्या फैसला लूं? दोनों ही मेरे बच्चे हैं, एक जो मेरे अंदर है और एक जो मेरे सामने। अगर एक माँ को अपने दोनों बच्चों के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो वो किसे चुने? भगवान जी आप बताइए ना, आपके पास तो हर सवाल का जवाब है ना, तो अगर आप मेरे जगह होते तो आप क्या करते? मैडम 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 देखिए ना मानवी दी को क्या हो गया, वो अचानक बेहोश हो गई है। विराट बाबू ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। चलो मानवी, मानवी आंखें खोल, मानवी मनु क्या हो गया तुझे? विराट विराट क्या हो गया मनु को? मानवी दादाजी बेटा क्या हुआ? बेटा देखिए ना मनु की आंखें नहीं खुल रही। मानवी जी मानवी बेटा बुआ जी देखिए ना मनु अपनी आंखें नहीं खुल रही। बेटा डॉक्टर को खबर की कि नहीं? जी दादाजी एक मिनट डॉक्टर मेरा प्लीज देखिए डॉक्टर प्लीज। सिस्टर ऑक्सीजन सिलाई मेरा, लेकिन मानवी को हुआ क्या? मानवी के ऑर्गन्स धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, शुगर लेवल्स कम हो जाने की वजह से शी इज गॉन टू हाइपोग्लाइसेमिक कोमा। कोमा? कोमा? घबराइए मत, ये वैसा कोमा नहीं है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। इसे डायबिटिक कोमा भी कहते हैं। जैसी शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा इनको होश आ जाएगा, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये तो बहुत बड़ी चिंता वाली बात हो गई बीजी, कहीं अपने घर में किसी को मानवी के डोनर हो ना मिलने वाली बात बताई तो नहीं? नहीं बेटा, ये बात मैंने किसी और से नहीं की, सिर्फ तुझे बता रही हूं। मानवी को डोनर नहीं मिला तो उसकी जिंदगी खत्म। आप सत्संग से आ गई? बात मत पलट, मैंने सब सुन लिया है। क्या हुआ है मेरी बेटी को, क्या होने वाला है उसको? कुछ नहीं हुआ बीजी, कुछ नहीं, नहीं हुआ, फिक्र मत करे। आप बैठो बीजी, आप बैठो। उसको वो जो आना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। पीछे आप भरोसा रखिए, मानवी को कुछ नहीं होगा। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, मेरी बच्ची
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।